बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, आज हम अपने ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे, आपको मैंने बताया कि आज हम अपने ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट पोर्शंस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हम समझेंगे कि आपने ह्यूमन स्केलेटन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ह्यूमन स्केलेटन टोटल कितनी बोन्स का कंसिस्ट करता है, एक्सियल स्केलेटन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या चीज है। तो बच्चे, ह्यूमन स्केलेटन में हम ह्यूमन स्केलेटन के दो पार्ट्स देखेंगे मेन, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जो एक्सियल स्केलेटन होगा बच्चे, ये कंसिस्ट करेगा स्कल का, वर्टिब्रल कॉलम का, रिब्स का, और एक बोन होती है बच्चे जिसके सारे रिब्स आके अटैच, और हमारे फ्रंट पे इसको हम स्टर्नम कहते हैं। जबकि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अब वो बच्चे कंसिस्ट करे जो हमारे लिम्स की बोन्स हैं और जो हमारे ट्रंक ऑफ बॉडी के अलावा हिस्सा बच गया है, जो बच्चे हमारा स्कल है, हमारे रिब्स, हमारी वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम द ट्रंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो बच्चे स्ट्रेट वे चलते हैं ह्यूमन स्केलेटन की तरफ। ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नंबर वन एक्सियल स्केलेटन एंड नंबर टू अपेंडिकुलर स्केलेटन। वो कहता है जो ह्यूमन स्केलेटन है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर वन एक्सियल स्केलेटन और नंबर टू अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब बच्चों, में एक्सियल स्केलेटन के लिए तरफ लेके जा रहे हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हमें बताएगा। एक्सियल स्केलेटन, द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स स्कल, द वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है इस पे अगर हम गौर करते हैं, चार मेन बोन्स या फिर चार इसके भी हम मेजर पोर्शंस बना सकते हैं, स्कल, रिब्स, वर्टिब्रे एंड स्टर्नम। ये चार हिस्से हैं जो एक्सियल स्केलेटन के हिस्से में आ रहे हैं, तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। नंबर वन बच्चे स्कल, उसने बताया कि जो ह्यूमन स्केलेटन है इसके दो मेन हिस्से कर सकते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब फिर उन्होंने उसने हमें बताया कि जो एक्सियल स्केलेटन है ये मेन चार चीजों का बना हुआ है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम। तो नंबर वन है बच्चे स्कल, तो आइए इसको पढ़ते हैं। इट इज मेड अप ऑफ क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। वो कहते जो हमारा स्कल है ये बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बोन्स का बना हुआ है, नंबर वन क्रेनियल बोन्स जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होगी, और दूसरी फेशियल बोन जो हमारे फेस को बना रही होगी। तो स्कल एक सब लेवल है, एक सब डिवीजन है एक्सियल स्केलेटन की। इसमें हमारे पास दो बोन्स आ गई, कौन कौन सी, क्रेनियल जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होगी, और बच्चे फेशियल बोन्स जो हमारे फेस के स्ट्रक्चर को बना रही होगी। क्रेनियम बोन्स कंसिस्ट, या द क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ एट बोन्स। वो कहते जो क्रेनियल बोन्स है ये जिनको हमने क्रेनियम का नाम दिया, इनकी टोटल तादाद कितनी है बचे, एट, फोर अनपेयर्ड एंड टू पेयर्ड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। बच्चे द क्रेनियल नर्व्स, सॉरी द क्रेनियम बोन्स कंसिस्ट ऑफ एट बोन्स, फोर अनपेयर एंड टू पेयर बोन्स। बच्चे आठ बोन्स, उसके बाद चार पेयर में, और बच्चे जो दो है वो पेयर फॉर्म में, और जो चार है वो अनपेयर फॉर्म में। तो टोटल क्रेनियल बोन्स है आठ, उसमें से दो पेयर मौजूद है।
दो पेयर में मतलब कि हर पेयर में दो तो मौजूद है, दो पेयर मतलब चार बॉन्ड वो होगी, तो क्रेनियल बॉन्ड में से बचे हमारे पास टोटल क्रेनियल बॉन्ड्स है आठ, उनको अगर मजीद डिवाइड किया जाए तो उनमें से दो बॉन्ड्स है पेयर्ड बॉन्ड्स और जो बाकी चार बची थे अनपेयर्ड बॉन्ड्स। आगे चलते बच्चे, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, और इन क्रेनियल बोन्स का काम क्या है, और इन क्रेनियल बोन्स का बच्चे काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। मजीद आगे चलते बच्चे, पेरेंटियल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स। अब वो पेयर बोन्स के नाम बताने जा रहे हैं, जो आठ क्रेनियल बोन्स में से दो पेयर बोन्स, उनके नाम के बच्चे पेरिटियल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स, वेयर एज फ्रंटल ऑसिपिटल सेफनोल्टाइड एंड एटमोइड आर द अनपेयर्ड बोन्स ऑफ क्रेनियल बोन्स। नेक्स्ट चलते बच्चे, बिसाइड दैट वो कहता है क्रेनियल बोन्स के साथ साथ देयर आर 14 फेशियल बोन्स, तो टोटल बच्चे हमारे स्कल में कितनी बोन्स होगी, 14 प्लस दैट 8, बच्चे 22 बोन्स। आर स्कल कंसिस्ट ऑफ टोटल 22 बोन्स, आउट ऑफ विच 8 आर क्रेनियल एंड 14 आर फेशियल बोन्स। देयर आर 14 फेशियल बोन्स विच आर 6 पेयर्ड एंड 2 अनपेयर्ड। तो कहता है अब बच्चे जो 14 फेशियल बोन्स हैं उनमें से बच्चे हमारे पास 6 पेयर्ड हैं जबकि 2 अनपेयर्ड हैं। क्रेनियल बोन्स के केस में 2 पेयर्ड थी, 4 अनपेयर थी, जबकि फेशियल में 2 बोन्स अनपेयर्ड हैं, 6 पेयर्ड। सो देयर आर 14 फेशियल बोन्स आउट ऑफ विच 6 आर पेयर्ड एंड टू आर अनपेयर्ड। द पेयर्ड फेशियल बोन्स आर अ मैक्सिला, अ जाइगोमैटिक, नेजल, लेसिमिरल, पैलेटीन एंड इंफीरियर कॉन्का। ये बच्चे 6 नाम है अनपेयर्ड बोन्स के, सॉरी पेयर्ड बोन्स के। अब वो अनपेयर बोन्स चीज दो उनके नाम बता दिया था। अनपेयर्ड फेशियल बोन्स आर अमेंडिबल एंड वॉम्बेट। बच्चों एक मैं कॉमनली एमसीक्यू देता होता है, वो कहता है इन बोन्स के नाम दे देता है और कहता है इनमें से बताइए इन फेशियल बोन्स में से कौन सी बोन अनपेयर है, तो मोस्टली मैंडिबल का ऑप्शन देता है, सब पेयर वाली दे देगा नाम और एक मैंडिबल दे देगा। तो इसको याद रखने के तरीके, सब बोन्स के नाम याद रख लें और उनमें से इन दो के सिलेक्ट कर लें कि ये अनपेयर्ड है, बाकी 6 के 6 बोन्स पेयर्ड है, तो बाकी 6 में आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट बचे स्कल के बाद जो हमारे पास वर्टिब्रल एक्सियल स्केलेटन का जो दूसरा पार्ट आता है बच्चे, वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का बच्चे मेन काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। तो आइए बच्चे चलते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू द पेल्विस टू फॉर्म बैकबोन। जो वर्टिब्रल कॉलम है इसकी लोकेशन क्या है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, खत्म कहां से हो रहा है। कहता है जो वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारे स्कल से स्टार्ट हो रहा है और हमारा जो पेल्विक पोर्शन है वहां तक इसकी लेंथ और बना के हमारी बैकबोन बना रहा है। सो वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू पेल्विस, स्कल से लेके पेल्विस तक ये जाता है, बना के रहा है एंड इट इज मेकिंग बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम ने बनाई, इस बैकबोन का मेन फंक्शन क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन पहुंचाना, क्योंकि हमने स्केलेटन के एक मेन रोल में से एक ये भी देखा था
कि स्केलेटन का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। मजीद आगे चलते हैं बच्चे। नॉर्मली द वर्टिब्रल कॉलम हैज फोर कर्वेचर्स विच प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ देन डज द स्ट्रेट कॉलम। वो कहता है नॉर्मली अगर आप वर्टिब्रल कॉलम में देखें आपको अप्स एंड डाउन मिलेंगे, चार कर्व्स मिलेगी। इन कर्व्स का मतलब क्या है? इन कर्व्स का मकसद है बच्चे सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि स्ट्रेट की सपोर्ट प्रोवाइड जितनी वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड कर सकती है। तो वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रक्चर्स व्हिच प्रोवाइड मोर देन डज द स्ट्रेट कॉलम, ये जो सीधी वर्टिब्रल कॉलम है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड कर सकती है। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। जो वर्टिब्रल कॉलम है ये 33 बोन्स का बना हुआ है, उनको हमने नाम के दिया वर्टिब्रे। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं। द वर्टिब्रे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। अब वो कहते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन्स थी वर्टिब्रे, इनके नाम किस बुनियाद पर रखे, इनकी लोकेशन, इनकी एड्रेस की बुनियाद पर। तो आइए बच्चे इनके एड्रेस को जानते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। द वर्टिब्रे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल सर्विकल, थोरैसिक, लंबर एंड पेल्विक। बच्चे जो हमारे ब्रेन के बिल्कुल पास है उसको हमने कहा सर्विकल। सर्विकल के बाद आते हैं बच्चे वो पोर्शन जो हमारी नेक के बैक साइड पे ऑलमोस्ट आ रहा है, उस पोर्शन को बच्चे हमने क्या नाम दिया। सो बच्चे सर्विकल, उसके बाद थी थोरैसिक एंड देन लंबर एंड पेल्विक। अब बच्चे चलते हैं सर्विकल की तरफ। द सर्विकल वर्टिब्रे इंक्लूड्स 7 वर्टिब्रे विच लाइज इन द नेक रीजन। जो सर्विकल वर्टिब्रे मजीद कितनी बोन्स का कंसिस्ट करता है, 7 बोन्स का। वर्टिब्रल कॉलम बच्चे टोटल 33 वर्टिब्रे थे, उनको हमने चार पोर्शन में डिवाइड किया। उसका पहला पोर्शन है सर्विकल। सर्विकल वर्टिब्रे इंक्लूड्स 7 वर्टिब्रे और इनकी लोकेशन क्या, विच लाइज इन द नेक रीजन। द फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रे आर एल्टस वर्टिब्रे एंड एक्सिस वर्टिब्रे। सो द फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रे आर एल्टस वर्टिब्रे एंड एक्सिस वर्टिब्रा। जो बच्चे पहले दो पोर्शन आ रहे थे हमारे पास सर्विकल वर्टिब्रे के, उसके उसने मैं नाम बता दिए एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। आगे चलते हैं बच्चे। देयर आर 12 थोरैसिक वर्टिब्रे लोकेटेड इन द थोरैसिक रीजन। हमारी बॉडी का जो थोरैसिक रीजन है इसमें 12 थोरैसिक वर्टिब्रे है बच्चे। तो आगे चलते हैं बच्चे। There are 12 thoracic vertebrae located in the thoracic region, 5 in lumbar region and 9 in pelvic region. So, बच्चे जो 5 है वो किस रीजन में, लंबर रीजन में, जबकि जो बाकी 9 है वो किस में बच्चे, पेल्विक रीजन में, एंड 9 इन द पेल्विक रीजन विच फॉर्म्स 2 सेट। और अब जो पेल्विक रीजन की बोन्स है ये 2 सेट बना रही है। आइए देखते हैं कौन कौन से सेट है, स्क्रैरम एंड कोकेक्स। तो बच्चे ये जो 2 सेट्स बना रहे हैं पेल्विक के बोन्स, इसके हम नाम क्या रखे हैं बच्चे, स्क्रैरम एंड कोकेक्स। Scranum is formed by the fusion of interior 5 vertebrae. जो interior 5 vertebrae है वो combine होकर मिलकर बच्चे क्या बना हमारे पास, scranum, whereas coccae is formed by the fusion of 4 posterior vertebrae.
बच्चे एक ऐसा पोर्शन बनेगा, बिल्कुल अगर मैं आपको दिखाऊं, जो एक ऐसा सेट बनेगा, तो फाइव वर्टिब्रे इकट्ठे होंगे तो स्केलेटन बनाएंगे, जबकि फोर वर्टिब्रे इकट्ठे होंगे तो कॉकेक्स बनाएंगे। अब चलते हैं बच्चे अपने रिब केज पे। अब देखते हैं जो मेरा रिब केज है वो किस किस चीज का बना हुआ है। बच्चे इसमें टोटल 24 बोन्स होंगी, अब 12 के पेयर में और स्टर्नम का भी जिक्र करेगा। सो इट इज कंपोज्ड, रिब केज की बात हो रही है, रिब केज इज कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट आर आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्रे। वो कहते हैं 12 पेयर्स रिब केज, 12 पेयर्स ऑफ बोन्स, टोटल 24 का बना हुआ, जो अराइज किससे कर रहे हैं, जो अटैच्ड किससे है, थ्योरेसिक पोर्शन ऑफ वर्टिब्रे से। 10 ऑफ देम कनेक्ट इंटीरियरली विद स्टर्नम। अगर इनके फ्रंट पोर्शन में आए तो इनमें से 10 पेयर्स ऐसे हैं जो आपके स्टर्नम के साथ अटैच हो रहे हैं फ्रंट में। हम सेंटर में रिब्स के एक बोन है स्टर्नम, जिसके साथ आके रिब्स अटैच होती है, तो 10 ऑफ देम कनेक्ट एंटीरियरली विद स्टर्नम आइदर डायरेक्टली और थ्रू द कॉस्टल आर्क। बच्चे एक हमारे पास आर्क है स्टर्नम के साथ, अगर आप डायग्राम में भी देखें तो आपको देखने को मिलेगी स्टर्नम के साथ, या तो ये इस जो छोटा सा अगला पोर्शन है उसके साथ अटैच होके स्टर्नम के साथ कनेक्ट होंगे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 ऑफ द रिब्स बोन्स आर अटैच विद स्टर्नम। द लोअर टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो लास्ट टू पेयर बचे रिब्स के, इसको हमने फ्लोटिंग रिब्स कह, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज दे डू नॉट अटैच स्टर्नम, द रिब केज प्रोवाइड सपोर्ट टू सेमी वैक्यूम चैम्बर कॉल्ड द चेस्ट कैविटी। जो हमारा इंटीरियर पोर्शन है, जो हमारे रिब्स का अंदर का पोर्शन है, इसको बच्चे चेस्ट कैविटी कहते हैं। तो कहते हैं स्टर्नम है मेन काम, इस वैक्यूम पोर्शन चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्शन, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस चेस्ट कैविटी के अंदर हमारे पास हार्ट भी है, लंग भी है, लिवर भी है, स्टमिक भी है, तो रिब्स का प्रोटेक्शन भी बड़ा अहम रोल है। अब बचे रह गया हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसको बच्चे अब कल कंटिन्यू करेंगे। तो एक लेक्चर को मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा। ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन के बच्चे दो पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हमने देखा वो चार मेन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। स्कल में उसने का टोटल 22 बोन्स है, उसमें हमने क्रेनियल बोन्स देखी और फेशियल बोन्स देखी। वर्टिब्रे के उसने बच्चे का कर्व्स टाइप्स है इसमें, जो ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद उसने कहा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये टोटल 33 बोन्स का बना हुआ है, जिनको हमने डिवाइड किया तो ऐसे एक लंबर पेल्विक और सर्विकल में। उसके बाद बच्चे हम चले गए रिब्स की तरफ। रिब्स में आपने कहा 12 पेयर है, टोटल 24 बोन्स, उनमें से जो 10 पेयर है बोन्स के वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच है बच्चे हमारे स्टर्नम के साथ। इस रिब केज का काम क्या है? शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चेस्ट कैविटी को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो बच्चे ये था आज का मेरा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सा था, समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज़।